नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। धरमजयगढ़ वन मंडल में वर्तमान में 120 हाथी सक्रिय हैं, जो स्थानीय ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। हाथी गांवों, जंगलों और सड़कों के पास मौजूद रहते हैं, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है और घरों को भी क्षति पहुँच रही है। हाल ही में तेजपुर गांव में हाथियों ने धावा बोल दिया, जिसके बाद ग्रामीण एकजुट होकर उन्हें भगाने में जुड़ गए हैं। ग्रामीणों ने बाइक और टॉर्च की मदद से रात भर हाथियों को भगाने की कोशिश की, जबकि वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। यह स्थिति विभाग की लापरवाही को उजागर करती है और ग्रामीणों के लिए सुरक्षा और सहायता की आवश्यकता को दर्शाती है। रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि शर्मा ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन की बैठक आयोजित की। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हीलचेयर, शौचालय और वॉल्टियर्स की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। कुमार ने दिव्यांग मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के लिए जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण वीडियो बनाने और सक्षम ऐप के प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा मतदान केंद्रों तक पहुंच में कठिनाई का सामना करने वाले दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया गया। बैठक में राज्य के विभिन्न अधिकारी भाग लिए। जगदलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान बस्तर के सांसद और दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप ने कहा कि इस वर्ष बस्तर दशहरा पर्व और भी भव्य होगा। यह उत्सव क्षेत्र की जातीय भव्यता और छत्तीसगढ़ की अनूठी विरासत को प्रदर्शित करेगी। सदियों पुरानी परंपराओं के साथ बस्तर दशहरा विभिन्न सांस्कृतिक अनुभवों से भरा होता है। अलंकृत देवताओं के जुलूस, पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शनों से भरा यह उत्सव कई दिनों तक चलता है। आगंतुकों के लिए यह एक अद्भुत अवसर है, जहां वे भक्तों के साथ देवताओं के विशाल रथों को खींचते हुए बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव कर सकते हैं। आज सर्किट हाउस में हमारे विश्व प्रसिद्ध दशहरा आराध्य माई दंतेश्वरी मावली माता का जो दशहरा पर्व मनाया जाता है, जो 75 दिन का एक ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध दशहरा हम लोग मनाने वाले हैं, और इसका आगाज पाठ यात्रा के रूप में अमावस्या तिथि से प्रारंभ हो चुका है और लगातार जो सभी विधि विधान के साथ सभी रस्म पूरा करते जा रहे हैं, और आने वाला अभी ये जो 15-20 दिन का जो कार्यक्रम है ये और भव्य होने वाला है, जिसमें हमारे राज्य से, देश से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पर्यटक या श्रद्धालु आने वाले हैं। तो यह विश्व प्रसिद्ध दशहरा इस बार भी भव्य तरीके से मनाएंगे। हमारे जगदलपुर नगरवासी को, बस्तरवासी को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग भी इस दशहरा में सम्मिलित होइए और जो भी हमारे अतिथि आएंगे उनको सम्मान दें। और विश्व प्रसिद्ध दशहरा का महत्व और बस्तर का जो संस्कृति है, बस्तर का कल्चर है, परंपरा है, हम पूरे दुनिया के लोगों के साथ शेयर करें और उसका आनंद लें, और हम सबका योगदान रहे, चाहे यहाँ का व्यापारी हो, चाहे शहर के गणमान्य नागरिक हो, हमारे प्रशासनिक तंत्र है, आप जैसे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सभी का योगदान रहे और इस भव्य जो ऐतिहासिक दशहरा को मनाएंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारा जो काचन देवी का पूजा है, हमारी मावली प्रगाव का कार्यक्रम है, हमारा
भीतर रहनी बाहर रहनी, ये बड़ा कार्यक्रम होता है। और हमारा मुड़िया दरबार, इसमें हमारे बड़े अतिथि भी आने वाले हैं, हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। इस प्रकार से ये कार्यक्रम होगा, इसलिए आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी बस्तरवासी, छत्तीसगढ़वासी और देशवासी को हम निमंत्रण भी देते हैं, उनको आमंत्रण भी देते हैं कि वो भी आए और इस विश्व प्रसिद्ध दशहरा का आनंद लें और माँ दंतेश्वरी, आराध्यमयी दंतेश्वरी और मावली माता का दर्शन का लाभ लें। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार ममता सोनी ने हाल ही में मेहसाणा की सिटी प्लस थिएटर में अपनी नई फिल्म प्रसादन के दर्शकों से मुलाकात की। इस फिल्म में समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बलात्कार जैसी गंभीर स्थितियों को दिखाया गया है। ममता सोनी का यह दूसरा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण संदेश वाली फिल्म को सिनेमाघरों में देखें। फिल्म का पहला भाग पहले ही रिलीज हो चुकी है और दर्शकों ने इसे सराहा है। ममता सोनी ने कहा कि यह फिल्म महिलाओं की स्थिति के खिलाफ लड़ने की शक्ति को उजागर करती है। दर्शक अब इसके दूसरे भाग के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम अपने वाले फिल्म विषय से क्या मकसद? नमस्कार मित्रों, मारू नाम है उमंग आचार्य। अमारी बहुत सरस मजानी एक प्रतिकार करीने फिल्म आई है, जे बहुत जल्दी अत्यारे बधी जगह थिएटर में लागी गई है। लोगों प्रतिसाद बहुत सारो आवी रह्यो छे। आप पण चोक्कस थिएटर में जाओ, सरस मजा समाज ने एक संदेशो आपतो मारो आ पिक्चर है, जेना जे अत्यारे वुमन एम्पावरमेंट एना पर आ पिक्चर बन्यु छे। चोक्कस नजीक थिएटर में जोवा जाओ, अमने चोक्कस तेना रिव्यू आपो, तमने गमे अने तमे तमारा सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया में दरेक जगह तमे रिस्पोन्स आपो अने लोकोने वधारे ने वधारे प्रेरित करो के आ सारू पिक्चर जोवा जाए। थैंक यू। શું કહેવા માગશો બેન? આજે જે તમારું પ્રતિકારનું બહુ સારું એવું પ્રમોશન થયું છે અને બહુ સારું એવું લોકોને લોક ચાહના છે, શું કહેવા માગશો? નમસ્કાર મિત્રો, હું મમતા સોની। સરસ મજાની એક ફિલ્મ જેની ખરેખર અત્યારના ટાઈમમાં બહુ જ જરૂર હતી, બિકોઝ આ દિવસ આપણે કેવા ન્યૂઝ સાંભળતા હોઈએ કે કોઈ છોકરી સાથે, કોઈ બાળકી સાથે, કોઈ સ્ત્રી સાથે દુષ્કર્મ થતા હોય, અને એના સિવાય બી એટલા બધા અત્યાચાર સ્ત્રીઓ સહેતી હોય છે। તો આ બધા કિસ્સાઓ જ્યારે આપણે સાંભળતા હોઈએ ત્યારે એક ખબર નહીં, એ વખતે આપણે ફીલ નથી કરી શકતા, એ વસ્તુથી કનેક્ટ નથી થઈ શકતા। જ્યારે અમે લોકોએ આ મૂવી બનાવીને આ એમની જે તકલીફો છે એન્ડ કેવી રીતે એ લોકો આવા અત્યાચારોનો સામનો કરીને, એ જે સ્ત્રીને શક્તિ કહેવામાં આવે છે તો એ શક્તિનું રૂપ શું છે, બસ આ જ બધા ફેક્ટર્સને મળાવીને મારી આ સરસ મજાની ફિલ્મ પ્રતિકાર તમામ થિયેટર્સમાં રિલીઝ થઈ છે। એન્ડ જે પણ લોકો જોઈ રહ્યા છે, સૌથી પહેલું તો એ લોકો જેવું ફિલ્મ વાઇન્ડઅપ થાય તો પહેલું સવાલ તો મને એ જ કરે છે કે બીજો પાર્ટ ક્યારે આવશે, બિકોઝ આ ફિલ્મનું ક્લાઇમેક્સ છે એ પોઈન્ટ ઉપર થયું છે કે જ્યારે બધાને એમ અંદરથી ઉત્સુકતા થઈ રહી છે કે અમારે બીજો પાર્ટ હવે જલ્દીથી જોવું છે। એન્ડ રહી આ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર વનની વાત, પ્રતિકાર ચેપ્ટર વન, તો અત્યાર સુધી તમે લોકો ના જોયું હોય તો ફટાફટથી જોઈ આવો પ્રતિકાર કાઉન્ટર એક્શન। अरावली जिले में पिछले कुछ वर्षों से दो पहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए जिला पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से विभिन्न टीमें बनाई हैं जो सफल साबित हुई हैं। हाल ही में LCB और SOG की टीम ने टिटोई पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गश्त के दौरान सूचना के आधार पर पदर महुदी गाँव में छापा मारा। यहां से एक नाबालिग और सुभाष डामोर को गिरफ्तार किया गया। उनके घर से चोरी की दो एक्टिवा और उनके स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए, जिनमें इंजन टायर, स्टीयरिंग रॉड और पेट्रोल टैंक शामिल थे। ये स्पेयर पार्ट्स 8 महीने पहले एक खेत में खड़ी एक्टिवा से चुराए गए थे। पुलिस ने अन्य आरोपी नैनेश खेमन मनात को भी गिरफ्तार किया है, जिसने 5 अलग अलग एक्टिवा और उनके पार्ट्स चुराने की बात कबूल की है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, और 90,000 रुपये की कीमत का सामान जब्त किया है। जांच अभी जारी है। થોડા સમય પહેલાં મોડાસા ટાઉન વિસ્તાર, રૂરલ વિસ્તાર, ટિંટોઈ વિસ્તાર, પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં અમુક બાઇક ચોરી અને એક્ટિવા ચોરીના કિસ્સાઓ બનેલા હતા, જેથી કરીને DIG સાહેબ વીરેન્દ્ર યાદવ સર અને SP સાહેબ શેફાલી બરવાલ સાહેબ
નું સૂચન હતું કે આજે પણ શોધાયેલ ગુનાઓ છે એને ડિટેક્ટ કરવામાં આવે અને એક્ટિવા છે એના ગુનેગારો છે એને પકડવામાં આવે. એ અનુસંધાને એલસીબીની ટીમ અને ગરાસિયા સાહેબના માર્ગદર્શનમાં પીએસઆઈ વાઘેલાની ટીમ અને મોડાસા રૂરલ માલ સાહેબ અને એની ટીમ, તોમર સાહેબ પીએસઆઈ એમની ટીમ એ સતત એ દિશામાં કામ કરી રહી હતી અને એમને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે અને ખાનગી બાતમી રાહે એવી માહિતી મળી પેટ્રોલિંગમાં હતા ત્યારે કે ટિંટોઈ ગામની સીમમાં જે પાદર મહુડી ગામ છે એમાં એક કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ કિશોર છે એ ધરોલા ગામેથી તેમજ મોડાસા વિસ્તારમાંથી એમણે એક્ટિવા ચોરીઓ કરેલી છે. જે બાબતે તપાસ કરતા એમના ઘરે ટીમો મોકલી અને તપાસ કરી તો લગભગ બે એક્ટિવા અને ત્રણ જે બીજી બે એક્ટિવા અને એક મોટરસાઇકલ, ટોટલ પાંચ જે વ્હીકલ ચોરી થયેલા હતા તો એમાંથી બે એક્ટિવા મળી છે અને બે એક્ટિવા અને એક મોટરસાઇકલ છે એના સ્પેર પાર્ટ છે એ કબજે લીધેલા છે. એમાં એક કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ કિશોર છે એમનો મુખ્ય રોલ છે આમાં. એમની સાથે સુભાષભાઈ જગદીશભાઈ ડામોર એ એક આરોપીને આપણે ધરપકડ કરેલી છે અને નૈનેશભાઈ ખેમાભાઈ મનાત એમની ધરપકડ કરી છે અને અન્ય ગુનાઓમાં પણ આ ગુનેગારો સંડવાયેલા છે કે નહીં એ તપાસ અત્યારે ચાલુ છે. સર આ કેસમાં ટોટલ કેટલા ત્રણ જ આરોપીઓ છે? ત્રણ આરોપીઓ છે, એમાં એક છે જુવેનાઇલ છે અને બે છે પુખ્ત વયના છે, સુભાષભાઈ અને નૈનેશ. સર આ મુદ્દામાલ ક્યાંથી રિકવર કરવામાં આવ્યો? એમના ઘરેથી જ રિકવર કરવામાં આવ્યો. લોટતે હૈ એક છોટે સે બ્રેક કે બાદ. બ્રેક કે બાદ આપકા સ્વાગત હૈ. આઈએ દેખતે હૈ આગે કી ખબરે. कैटी फाउंडेशन और फोर्स वन बुक्स द्वारा आयोजित 21वें नेशनल बुक फेयर का विषय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटना काकोरी घटनाक्रम है. इस मेले में विभिन्न भाषाओं में सुप्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं प्रदर्शित की गई हैं जिसमें भारी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं. यह पुस्तक मेला एक हफ्ते तक चलेगा जिसमें सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा. मेले में देश भर के 150 स्टॉल्स लगाए गए हैं और 15,000 वर्ग फीट का वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर प्रदर्शनी के लिए तैयार किया गया है. लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में 21वां नेशनल बुक फेयर लगाया गया है जहां पर बड़ी तादाद में पब्लिकेशंस पहुंचे हैं, पब्लिशर पहुंचे हुए हैं और स्टॉल लगाए हैं. खास बात इसमें यह है कि ये काकोरी घटनाक्रम पर आधारित है. इस बार इसका थीम बनाया गया, हर साल की तरह इस साल भी यहां पे बुक फेयर लगाया गया है. तस्वीरें आप देखिए, ये यहाँ पर तमाम जो प्रकाशन्स हैं उनकी स्टॉल्स लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इस बार जो इसका थीम है उसको काकोरी घटनाक्रम पे आधारित किया गया है और यहाँ पे तमाम तरीके के प्रकाशनों को रखा गया है. हर बार की तरह इस बार भी इसमें वाणी प्रकाशन, सामायिक प्रकाशन और जितने भी इस तरह के प्रकाशन्स हैं उन सबको एक अच्छी स्पॉन्स जगह दिया गया है. और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और इनसे भी बात करेंगे. पब्लिक यहाँ पे पहुँच रही, आप आए हुए हैं, ये 21वां बुक फेयर लगा हुआ, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस बढ़िया है. परसों बारिश थी, कल बारिश निकली तो उसका असर रहा. मैं राजपाल एंड सन से हूँ, ये सामने ही हमारा स्टॉल है तो ये हमारे यहाँ की सबसे बढ़िया किताब है. लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं मसाला साहब राय बच्चन. कुछ डिमांड भी कर रहे हैं लोग की पुस्तकों का नंड कर. हाँ, जैसे ओशो मांग रहे हैं, कृष्णामूर्ति के टाइटल मांग रहे हैं. अभी शंकराचार्य की किताब खरीदने आए थे, हमारे पास वो भी है. बाकी क्लासिकल तो बिकी रहा है, मानस का हंस वगैरह. जी जी बिल्कुल. देखिए ऐसे ही तमाम तरीके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपको और स्टॉल सिखाएंगे. देखिए हर तरीके के यहाँ पे पुस्तकों के संस्करण मिलेंगे जो कहीं पे उपलब्ध नहीं रहते हैं वो बुक फेयर में खास तौर से लगाया जाता है. ये सामायिक प्रकाशन का स्टॉल है, ये लोग दिल्ली से आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि साहित्य प्रेमियों के लिए ये एक शानदार अवसर लेकर के आया है जहाँ पर तमाम प्रकार की पुस्तकों के साथ साथ साहित्यकारों से मिलने और उन्हें सुनने का भी मौका लोगों को मिल रहा है. इसमें भाग लेने वाले सभी लोग साहित्य अनुभव को समृद्ध कर सकते हैं और नई रचनाओं से परिचित भी हो सकते हैं. अगर लखनऊ में आप हैं तो इस मेले में ज़रूर पहुँचें. और देखिए आप किस तरह से लोग यहाँ पर हैं जो अपनी किताबों का नाम लेकर के आ रहे हैं और पूछ रहे हैं. जैसा कि अभी एक प्रकाशन के व्यक्ति ने बताया कि उनसे पूछा जा रहा है कि उनको अलग अलग तरह की किताबें चाहिए. लोग खासतौर से देखते हैं जो पुस्तक प्रेमी हैं वो ऐसी जगहों पर आकर के, क्योंकि उनको अमूमन बुक्स नहीं अवेलेबल हो पाती हैं और फिर इस तरीके के वो मेले का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद उनको यहाँ पर अपनी पसंद की कस्टमाइज बुक्स भी वो ले लेते हैं जो कहीं
कहीं पर नहीं उपलब्ध हो पाती है, वो खासतौर से क्योंकि लखनऊ में जब दिल्ली के प्रकाशन आ जाते हैं तब फिर उनको किताबें मिलना आसान हो जाता है। दूसरी तरफ देखिए आप, स्टेज भी बनाया गया है जहाँ पर इस बुक फेयर में किताबों के साथ साथ साहित्यिक कार्यक्रम भी होंगे, कविताओं का पाठ भी हो रहा है और उसके साथ ही अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। तमाम जगहों से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और इस मेले में कई स्थानीय संपादक और माफ़ कीजिएगा कई स्थानीय प्रकाशकों और साहित्य संसाधनों की भागीदारी भी विशेष रूप से देखने को मिल रही है, जिसमें यूपी का हिंदी संस्थान और उर्दू एकेडमी और संस्कृत संस्थान के साथ साथ बोधरस प्रकाशन, दलित साहित्य, दिव्यांश पब्लिकेशन, रामकृष्ण मत योक्ता, इस तरीके के तमाम लोग शामिल हैं जो कि मेले में पहली बार गोरखपुर के प्रसिद्ध गीता प्रेस भी अपनी शताब्दी वर्ष के साथ हिस्सा ले रहा है। दिल्ली का अनबाउंड स्क्रिप्ट, वर्धमान बुद्ध, इंदौर, इस तरीके के तमाम अलग अलग जो प्रकाशन हैं वो पहुँचे हैं। लगभग 150 प्रकाशकों और वितरणों के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं जिनमें अलग अलग तरह की पुस्तकें मिलेंगी। ये 15,000 वर्ग फिट का वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर विशेष रूप से पुस्तक प्रदर्शनी के लिए तैयार किया गया है, जिसमें दिल्ली का राजकमल प्रकाशन और वाणी प्रकाशन और इसके अलावा मुंबई सक से और जयपुर से, अहमदाबाद से, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं। हालांकि पब्लिक भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, बारिश के बीच में भी लोग पहुँच रहे हैं, जो पुस्तक प्रेमी हैं यहाँ पर आकर के किताबों को खरीद रहे हैं और साहित्यकारों से मिल रहे हैं। इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए अगर आप लखनऊ में हैं तो ज़रूर पहुँचें। 15,000 स्क्वायर फिट में लगा लखनऊ में नेशनल बुक फेयर, जिसका 21वां संस्करण है, जहाँ पर तमाम तरीके के लोग पहुँच रहे हैं और लगभग 150 से ज़्यादा पब्लिशर भी यहाँ पर मौजूद हैं। पब्लिक पहुँच रही है, देखिए आप, ये स्टॉल्स लगाए गए हैं, पब्लिक पहुँच रही है, अपनी किताबों को ढूंढ रही है और इसमें ख़ास तौर से जो साहित्य के प्रेमी हैं वो उनको यहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, क्योंकि उनको अमूमन पुस्तकें नहीं मिल पाती हैं। लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप क्या नाम है? नीता चौधरी। मैम, आप पहुँची हुई हैं, क्या कुछ अलग, कौन सी अपनी किताब देख रही हैं? या बच्चे ने लिया है, बिटिया ने लिया है। हाँ जी, हाँ, अपने पसंद के लिए उन्होंने, हम अभी अगले दिन आएंगे, किसी दिन अलग से तब देखेंगे, अभी तो बिटिया के लिए आए हुए हैं। जी हाँ, कैसे, क्या मतलब, ये आप खास करके बुक फेयर में आई हैं, ये क्या शॉप पे बुक्स नहीं मिलती हैं? बुक फेयर कितना अलग लग आपको लगता है? जितने साल बुक फेयर को लगते हुए हो गए हैं उतने साल से मैं लगातार आ रही हूँ, है ना? किस साल से कंटिन्यू? जी हाँ, मैं कंटिन्यू आ रही हूँ और हर साल लगभग 2000 के आसपास की बुक्स तो जाती हैं, पढ़ते भी हैं हिंदी में, इंग्लिश में, इस तरह से कर के बहुत सारी लेके जाते हैं। बुक फेयर अच्छा है, लेकिन ये है कि पहले जितना अच्छा नहीं रह गया है, स्पेशली जो इंग्लिश वाला वर्ज़न है उसमें सब इतने ख़राब पेपर पे, इतने ख़राब पब्लिकेशन की किताब देखने का ही नहीं मन होता है। प्रिंटिंग अच्छी हो, फॉन्ट जो है ठीक साइज़ के हों तो बुक पढ़ने में अच्छा लगता है, किताब उठाने में ही अच्छा लगने लगता है। तो उधर देख के तो आए, लेकिन बहुत कूड़ा बहुत है, कवर ऊपर से बदल दे रहे हैं, अंदर सारा सब वही पुराने सब पुरानी किताबें, सब नई किताबें नहीं मिल पा रही हैं बिल्कुल। एक किस्सा, हाँ, जो पुरानी ही किताबें हैं सेकेंड हैंड वाली, उन पे कवर केवल चेंज कर दिया है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, बस बिल्कुल। 21 साल से आ रही हैं आप, तो ये एक्सपीरियंस की बात है। और भी देखिए आप, अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ किताबें ही नहीं, बाकी टॉयज के भी स्टॉल लगाए गए हैं और रैकें बकायदा लगाई गई। देखें यहाँ पे कॉमिक्स मिल रही है, नरूटो आप देख सकते हैं, वन पीस, जितने भी ये कॉमिक्स के कैरेक्टर्स हैं जो कि अमूमन जाके आप स्टेशनरी पे लेना चाहें तो नहीं मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस पुस्तक मेले में मिल जाएंगी देखने के लिए। और जो लोग हैं वो भी इसीलिए आते हैं, देखिए आप यहाँ पे बकायदा सेल्फी स्टैंड भी लगाया गया है। और भी महिलाएँ हैं, इनसे पूछते हैं। मैम, क्या नाम है? दिव्या पांडे। कौन सी बुक देख रही हैं? वेद गाथा जी। इसमें बुक फेयर है, आप इससे पहले भी क्या लखनऊ में आते? हाँ बिल्कुल आए, मैं स्कूल्स के तरफ से आई हूँ, स्कूल्स के लिए हम लोग बुक्स सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जी, तो हम लाइब्रेरी अक्सर यहीं से आके ले जाते हैं, नए नए एडिशंस आते हैं यहाँ पे, नई नई बुक्स आती हैं, इसलिए हम आते हैं, क्योंकि कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो हम, मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल से हूँ, तो मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए बुक सेलेक्ट करने आई हूँ अपने प्रिंसिपल मैम के साथ। देखिए लोग स्कूल्स की लाइब्रेरी के लिए भी यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं बुक। देखिए इस रास्ते से भी आपको लेकर के चलेंगे आगे, और
क्योंकि ये देखिए रैक्स हैं जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग लैंग्वेजेस की किताबें भी यहाँ पे देख सकते हैं, डिक्शनरीज देख सकते हैं और टॉयज़ भी यहाँ पे मिलेंगे। आज खास देखिए ये चेतन भगत की पुस्तक है, ये भी आपको मिल जाएगी। जो प्रसिद्ध किताबें हैं ख़ासतौर से वो मिलेंगी, क्योंकि जो पब्लिशर्स होते हैं वो अपनी मोनोपोली सिस्टम रखते हैं और तमाम जगहों पर नहीं बेचते हैं और फिर उनको एग्जीबिशन में ला करके ही बेचा जाता है, ये इनका खास है। देखिए ये वाणी प्रकाशन है, दिल्ली का प्रसिद्ध प्रकाशन है ये, और इनके जो लोग हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। भाई साहब क्या नाम है? मैं अतुल महेश्वरी, वाणी प्रकाशन ग्रुप से। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, ये किसवां बुक फेयर लगा है, क्या कैसा रिस्पांस आ रहा है? नहीं, अच्छा रिस्पांस है, हर साल की तरह इस वर्ष भी अच्छा रिस्पांस। अभी 3 दिन हुए हैं और 6 तारीख तक आते आते हमें लगता है कि हमारी पुस्तकें आधी सेल हो जाएंगी। जी कितने स्टॉल्स हैं आपके? हमने इस बार 6 स्टॉल लिए हैं और हर विषय की किताबें हमारे यहाँ हैं, उपन्यास, कहानी, आलोचना, शायरी, कविता, हर वर्ग के पाठक यहाँ आते हैं, उनके मतलब की किताबें हमारे यहाँ मिल जाती हैं। वाणी प्रकाशन की कोई प्रसिद्ध किताबें मैं देख पा रहा हूँ, ये रिपोर्टर भी है, माँ जैसी देवी, तो इस ऐसी कौन सी सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है जो लोग यहाँ पे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? जॉन एलिया, कुमार विश्वास द्वारा संपादित जॉन एलिया की किताब, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती का पीली छतरी वाली लड़की, उदय प्रकाश जी की दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सब बेस्ट सेलर किताबें हैं। दिखाइए कोई इसमें से अगर कोई इस तरीके की पुस्तक। जी जी आइए। तो देखिए ये यहाँ पे वाणी प्रकाशन की है, बशीर बद्र की किताब, इसके बारे में पूरा शायरी का कलेक्शन है इसमें, हमने बशीर बद्र का पूरा समग्र है हमारे यहाँ, मुनव्वर राणा साहब की सभी शायरी हमारे यहाँ है, वसीम बरेली, जॉन एलिया, शायरी का कैफी आजमी का सरमाया पूरी समग्र है। यहाँ 70% जो सेल है वो शायरी पे ज़्यादा है लोगों का, और यूमन यूथ जो है, हाँ युवा भी, हर वर्ग के लोग शायरी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। तो ऐसे आप लोगों ने क्या यहाँ पे कैटेगरी बना करके रखी है कि शायरी की अलग कैटेगरी और सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ों की अलग कैटेगरी? जी जी शायरी का अलग है, जैसे कि आप देख रहे हैं व्यंग नाटक, आलोचना, मीडिया, उपन्यास, कहानी, सब नई पुस्तकें, ये कहानी का संग्रह आ गया, वहाँ उपन्यास आ गए, समाजशास्त्र की किताबें, आलोचना की किताबें उस तरफ हैं, सभी वर्ग के लोग आते हैं तो अपने सब्जेक्ट की किताबें आराम से ढूंढ लेते हैं। तो क्या कुछ खास डिस्काउंट दिया जाता है आपकी तरफ से? हाँ, सबको 10% से 20% तक की छूट हमारे यहाँ है। जी बिल्कुल, देखिए वाणी प्रकाशन था ये, इस तरीके के और भी प्रकाशन हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं, लगभग 150 प्रकाशन यहाँ पे हैं, यहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट वर्ग मीटर के उसमें ये स्टॉल को लगाया गया है और ये अभी 6 अक्टूबर तक बुक फेयर चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ शरसरार। अरावली जिले के भिलोड़ा थाने पर 500 से अधिक छात्रों ने रैली निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मुटडांडा गांव की 12वीं कक्षा की छात्रा की आत्महत्या के विरोध में हुआ, जिसमें छात्रों ने शिक्षक की प्रताड़ना को आत्महत्या का कारण बताया। छात्रों का आरोप है कि केड़ी बूदरा नामक शिक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने आत्महत्या की। 2 दिन पहले उसका शव भवनाथ मंदिर के पास एक बांध में मिला था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शिक्षक के खिलाफ जांच की मांग की और न्याय की गुहार लगाई। શુક્રવારે અપમાનિત કરવામાં આવ્યો અને એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે તું એ તને જેલમાં મોકલવો હોય તે છોકરીનું અપમાન રેપ કરે છે એ રીતે તને જેલમાં મોકલશું અને તારું આખી જિંદગી જેલમાં નીકળી જશે અને એ છોકરો સામાન્ય પ્રવાહમાં ભણતો હોવા છતાં તેને વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં બતાવવામાં આવ્યું છે ગમે તે કેડી સરને સસ્પેન્ડ કરો અને અમારા ભાઈને ન્યાય આપો। તમે આ બાબતે કોઈને રજૂઆત કરી હતી અગાઉ? આખી સ્કૂલના કેડી સરને બધા કીધું હતું, પોલીસ પણ આવી હતી શનિવારે। અગાઉ રજૂઆત કરી હતી કે આના જે મૃત્યુ થઈ એના બાદ તમે રજૂઆત કરી છે? મારું નામ મીરામા સરસ્વતીબેન જયંતિભાઈ છે, હું ટોડાથી સાયરીગામની વતની છું। એ મારા ક્લાસનો વિદ્યાર્થી હતો, એનું વર્તન બહુ જ સારું હતું બધાની સાથે, પણ એ સર રોજ એને કંઈક ના કંઈક વાંક કાઢીને ઊભો કરે, રોજ ને રોજ કંઈક ને કંઈક કે, તો એ બિચારો છોકરો કશું બોલતો નહીં,
अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।